सो हाय गाइस, राजस्थान ने पहला मैच जीत लिया और हल्ला बोल दिया है और हम पॉइंट टेबल पे पहले पॉइंट ले चुके हैं एलएसजी के खिलाफ। और हमारे कैप्टन ने बताया 13 राउंड को कि कैसे कप्तानी करनी चाहिए। कप्तानी तो राहुल ने भी अच्छी करी थी, बस ये है कि थोड़े बहुत नेगेटिव्स रहे जो कॉल लेने होते हैं वो नहीं ले पाए वो सही से, क्योंकि काफी टाइम बाद ग्राउंड पे उतरे थे, इंजरी भी थी। कॉल कैसे ले पाते, शुरुआत में यशस्वी ने इतनी धांसू पारी खेली, बेशक थोड़ी देर ही ठीक है पर लगातार अटैक कर रहे आई थी तो वो डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं थे ये भी रीजन हो सकता है। इसके अलावा जो प्लेयर चलता भी नहीं है हमारा रियान पराग, उसने भी कितनी बढ़िया पारी खेली है, 30 बॉलों में 45 रन मार के चला गया। और 12 बॉल में 20 रन मार के अब एक शानदार फिनिश भी उन्होंने, वो तो कैच छोड़ दी थी इसलिए छक्का चला गया, नहीं तो आउट हो जाते। नहीं तो अब वो भी क्या राजस्थान और सैमसन की गलती है क्या, मतलब सीरियसली एलएचजी ने इतनी घटिया बिल्डिंग की है, 2-3 कैचे तो ड्रॉप किए हैं भाई, अगर आप इतनी कैच छोड़ोगे तो आप मैच तो जीत ही नहीं सकते हो। और हमारे जो बॉलर है ना उन्होंने थंडर बोल्ट ट्रेंट बोल्ट जैसा कहा था वैसा ही हुआ है, शुरुआत के 2 ओवरों में 2 विकेट लेके टॉपऑर्डर हिला दिया तुम्हारा भाई। टेलेंडरों को भेजा करो पहले कुछ ओवर बोल्ट के खिलाफ, क्योंकि विकेट तो जाएगी इस ओपनिंग बल्लेबाज आउट हो, उससे अच्छा तो बैठ जाओ अपने टेलेंडर आउट करवा लो। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी रहेगा और मार्कस टोनी हिटर है तो उससे ओपन करवाओ, क्विंटन डिकॉक के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, हो सकता है तेज शुरुआत में मिलेगी। आपने चेक नहीं किया उनकी टी शर्ट उठा के देखते, क्या पता अंदर उन्होंने रॉयल्स की टी शर्ट डाली हुई हो आज के मैच में। इतना नीचे भेज रहे हो उसे तो उसका फायदा क्या, उसका यूटिलाइज तो करो पूरा, सालों को यूं पैसे दे देते हो। पर मेरे को सरप्राइज सच्ची में एक तो रियान पराग ने राजस्थान की तरफ से करा और एलएचजी की तरफ से मेरे को दीपक हुड्डा ने करा यार। 11 के 3 हो जाने के बाद ना बंदे को साफ सूंघ जाता है, जैसे केएल राहुल को सूंघ जाता है, खैर उसको तो 10 पे 0 पे भी सूंघ जाता है, पर दीपक हुड्डा ने आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेली और मतलब एक इंटेंट लेके आया वो, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ। और बर्गर का बर्गर खोल दिया, नांद्रे बर्गर पर कितनी देर तक चले दीपक हुड्डा, 13 बॉल ही तो चल पाए और यूजी चल रहे फिर तो शुरुआत तो दे गए ना ताकि आगे आने वाले प्लेयर्स एक इंटेंट से खेल पाए थोड़ा, डरे ना। और बाकी मैच के सुपरस्टार मेरे हिसाब से तो आज संदीप शर्मा थे, क्योंकि 15 ओवर के बाद संदीप शर्मा थे लेकिन उन्हें लगाया किसने था, संजू सैमसन ने। और ट्रेंट बोल्ट को पहले खत्म कर दिया क्योंकि उनको करवानी नहीं। मैंने एक चीज नोटिस करी थी जब राजस्थान खेल रही थी तो ध्रुव चिराग और वो बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था ध्रुव चिराग जल्दी आउट हो जाएंगे 16-17 ओवर में, तो रोमन पोवल बैटिंग करने के लिए बाहर आ चुके थे, वो तो उनकी किस्मत की विकेट नहीं गिरी थी, तो रोमन पोवल आते फिर एंडर बर्गर का बर्गर ही रहता वो फील्ड पे आते ही। नहीं मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ओवर बाहर आके बैठा था वो, तो बस ये विकेट नहीं गिरी तो वो बैटिंग पे नहीं आ पाया इसलिए उनका इम्पैक्ट बच गया प्लेयर हमारा, तो हो भी सकता है पर सही है हमारी टीम की स्ट्रेटजी अच्छी थी, बच गए, किस्मत अच्छी थी कुछ बोलो पर हम जीत तो जीत होती है। और ये कृणाल पांड्या क्या कर रहा है भाई, ये किस बात के पैसे खा रहा है यार, ना इससे प्रॉपर बॉलिंग होती ना इससे बॉलिंग मार पड़े भाई, 4 ओवर में 19 रन कर दिए, बॉलिंग तो ठीक था लेकिन कैच भी पकड़ी है उसने, कैच पकड़ी है विकेट नहीं ली ना, विकेट नहीं ली पर लेकिन कैच पकड़ी है तुम्हारे प्लेयर की यशस्वी जायसवाल की, पर यार वो फिनिशिंग वाली पोजीशन पे बैटिंग करते हैं और वो 4 ओवर में 2 रन बनाएंगे, मार्कस टोनी सी नहीं मार पा रहे नीचे तो वो क्या खेल रहा है, बॉलिंग इतनी अच्छी है राजस्थान की नहीं सच्चाई दे ये भाई, कभी कभार होता है हार, हारना भी जरूरी होता है आगे जीतने के लिए। हाँ भाई पर पॉजिटिव क्या लगता है, पॉजिटिव अगर आप निकालो थोड़े बहुत फिर भी इस हार में भी क्या पॉजिटिव ढूंढोगे नहीं सही में कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव यही है कि मार्कस टोनी का यूटिलाइज करो,
ऊपर ले गया उसे। पॉजिटिव हमारा ये था कि राहुल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पूरन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने भी तेज खेला और बाकी उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। तो यूटिलाइज करो सारे प्लेयर्स का अच्छे से, तो वो ही पॉजिटिव नेगेटिव है। और आपका पेस अटैक भी बहुत ही वीक लग रहा है क्योंकि हां पेस अटैक इन्होंने कोई चेंज नहीं किया लास्ट ईयर से। और यश ठाकुर है इनको ये यंग है यूज करा, बाकी और भी प्लेयर है स्क्वाड में तो उनका यूज करो। शहनाज जोसेफ है वही बाबू ने किया, उसको भी अंडर यूटिलाइज किया जैसा आप बोल रहे हो, उनको भी बॉलिंग उससे भी बॉलिंग करवाते तो क्या पता वो जो स्लोवर डिलीवरी डालते तो विकेट चटका जाते क्योंकि पिच स्लो थी। सही बात है। और अगर राजस्थान की बात करें तो आपके लिए आप कहाँ इम्प्रूवमेंट और करवाना चाहेंगे? इम्प्रूवमेंट चाहिए एक तो बटलर से, बटलर ने अभी तक लास्ट सीजन वाली हालत कर रहे हैं, मतलब यशस्वी परफॉर्म करते हैं, बटलर परफॉर्म नहीं करते। दूसरा एक्वायर ने भी कुछ आज तो किया नहीं, अगले आने वाले मैचों में वो कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग में थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊँ तो अवेश खान डेथ ओवर अच्छा डाला उन्होंने, आखिरी ओवर में बचा लिया, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग में हमारे लिए आज कुछ खास नेगेटिव नहीं थे तो बेटर ही है, सब कुछ बेटर हुआ आज राजस्थान के लिए क्योंकि बॉलिंग के हिसाब से। तो ठीक है, फिर इसी के साथ हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे वीडियो के स्पॉन्सर जो है मैक्स प्रोटीन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।